तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में स्वागत है। 31 मार्च 2023 के रात को कुछ नोटिफिकेशंस आए, 8 नोटिफिकेशंस आए, जहां पर एक तो एमनेस्टी स्कीम का नोटिफिकेशन जो था, जो बहुत लोग इंतजार भी कर रहे थे, वो आया। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर करता हूं। और मैं चाह रहा हूं कि आप पार्टिसिपेट करें, जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे आपके साथ, तो प्लीज तो डू पार्टिसिपेट। और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से रखिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो रखिएगा, आप क्वेश्चंस बीच में पूछना चाहते हैं जो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड है वो जरूर से पूछिएगा। उससे क्या होगा, इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा, आप लोग सबको मन भी लगेगा। तो ये जो पहला नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 डेटेड 31 मार्च 2023, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपको एम्पावर करूं कि नोटिफिकेशन को पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है। बहुतों को पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। अगर आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे 2/2023 सेंट्रल टैक्स 31 मार्च 2023, तो ये जो नोटिफिकेशन आया वो सेक्शन 128 पे आया है, यानी कि 128 में पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाले। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आ रहा है, बाय रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। और ये कह रहा है पावर टू वेव पेनल्टी फीस और बोथ, जो लेट फीस है जो सेक्शन 47 है, पेनल्टी के सेक्शन 122, 123, 124, 125, 127, ये सब है, उसमें 128 में पावर दिया गया। तो उसका टेक्सचर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कौन कौन से पेनल्टी को वेव ऑफ कर सकती है गवर्नमेंट। और फीस जो लेट फीस है वो सेक्शन 47 में है। तो ये देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो दो नोटिफिकेशन वो कोट कर रहे हैं, एक एकदम ओरिजिनल नोटिफिकेशन जिसको वो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन कहते हैं, वो 73/2017 डेटेड 29 दिसंबर 2017 में, यानी कि पहली बार लेट फीस को माफ किया गया था इस प्रिंसिपल नोटिफिकेशन से। और इसके ठीक पहले एक नोटिफिकेशन आया था, वो आया था 12/2022। और अगर आप 12/2022 खोलेंगे, उसके भी नीचे जाएंगे, तो अगेन प्रिंसिपल नोटिफिकेशन ये तो कोट होगा, और इस 12/2022 से ठीक पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो भी लिखा होगा। तो हमने कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाल दिए थे। तो 12 ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, 12/2022 से पहले कौन सा आया था, 7/2022, फिर उससे पहले 21/2021। इस तरह से आप पूरा नोटिफिकेशन जो सेक्शन 47 से रिलेटेड है वो एक जगह आप देख पाएंगे। अब आइए देखते हैं। आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके, सो आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज। So this is our first notification which we are discussing, notification number 2/2023 dated 31 March 2023. And here in the downside, if you see the notification, this is the principal notification dated 73/2017. And the last notification, this is a notification preceding this, is the notification number 12/2022. If you see this notification number 12/2022, then again in this notification, two notification will be quoted. The one is principal notification and the another is the notification which precedes this notification number 12/2022. And this notification has been issued by exercising the power under section 128. And 128 says that power to waive penalty / late fees, obviously with the recommendation of the GST Council. And they have issued this notification. And it says that, provided also that in the said notification, after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted. Now, when it is saying that after the sixth proviso, it means that in the preceding notification, first proviso, second, third, fourth, and fifth proviso was there. And after that fifth proviso, the sixth proviso has been added. Now, what was the fifth proviso? If you see this notification number 21/2021, then this is the notification, and they on 1st June 2021, the effective date is not written. So when the effective date of notification is not written, it means that the date of notification will be the effective date, and then this is the fifth proviso. In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely this. And what they have done,
they have said that provided also that the total amount of late fees payable under section 47 of the said act for financial year 21-22 onwards by the registered persons who fail to furnish return in GSTF-4 by the due date shall stand waived, which is in excess of rupees 250, where the total amount of central tax payable in the said return is nil, which is in excess of 1,000 rupees for the registered person other than those covered in clause I. It means that if the tax amount in GSTF-4 is nil, then the maximum late fees is 250 rupees plus 250, that is 500 rupees. And if tax amount in GSTF-4 is not nil, then the maximum late fees is 1,000 rupees plus 1,000 rupees, that is 2,000 rupees. Now, after this notification, they have come out with this notification, which is notification number 223, dated 31st March 2023. And what they are saying, in the said notification, after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted. Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said act shall stand waived, which is in excess of 250 rupees, and shall stand fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil, for the registered person who fails to furnish the return in GSTF-4 for the quarters July to March 2019, because in July to March 2019 quarterly return was there, GSTF-4. They have replaced GSTF-4 with CMP-08, or for the financial year from 1920 to 21-22 onwards by the due date, but furnish the said return between the period 1st April 2023 to 30th June 2023. Therefore, this is the conditional waiver. Now, what is the existing maximum late fees? From 17-18 to 2021, the maximum late fees was 5,000 plus 5,000, 10,000. 21-22 onwards, if you are filing the nil return, then maximum late fees is 250 plus 250. And if it is not nil, then 1,000 plus 1,000. Now, what they have changed? Now, maximum late fees by this notification 2/2023, now the maximum late fees is for 17-18 to 21-22, or the for hold 17-18 to 21-22. If you are filing the nil return, then the late fees will be nil. And if you are filing not the nil return, then the late fees will be 250 plus 250, that is 500. Yes, kisi ko kuch kehna, if someone want to add, I will. मैं हिंदी में भी बता देता हूं इसको कि अब इन्होंने क्या किया कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेदर अमाउंट ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीस. अगर जो 250 रुपीस वाला है वो स्टैंड वेव्ड हो गया, वो जीरो हो जाएगा. एंड शैल स्टैंड वेव वेदर टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इज द सेड रिटर्न इज निल फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन. कुछ कहना है तो बताइए मेरे को. महावीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब देखिए, इफ दे आर सेइंग शैल स्टैंड फुल्ली वेव वेदर टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल सेड रिटर्न इज निल, यानी कि 250 रुपया, क्योंकि निल है ये पूरी की तरह से जीरो हो जाएगा, और निल नहीं है तो 250 से एक्सेस जो 250 रुपए से ज्यादा है वो वेव होगा, यानी कि 250 रह गया. व्हाट अबाउट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए ये वाला चलेगा? टू फिफ्टी एंड 1,000. हेलो. यस यस सर, ये जो नील नॉट नील 250, इट विल बी पर क्वार्टर और होल 17-18 फाइलिंग GSTF-4, व्हेनेवर यू आर फाइलिंग GSTF-4 फॉर जुलाई 17 टू मार्च 2019, यस, तो उसके लिए है. ठीक है सर, पर क्वार्टर टू. वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं हम लोग. हाँ बताइए. ठीक है सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि 22-23 के लिए तो फिर अब यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 500 और निल, क्योंकि अभी तो 18 अप्रैल है ना. ये वाला सर 22-23 के लिए. हाँ वही बता रहा हूँ, 22-23
तो उसके लिए तो सीएमपी फोर की लास्ट डेट तो अभी सर ये आई है ना, 18 अप्रैल है ना, जीएसटीआर फोर, हाँ अप्रैल है ना जीएसटीआर फोर की डेट, अठारह अप्रैल है उसके, तो बाद, उसके बाद तो, उसके बाद अगर फाइल करते हैं जो भी ड्यू डेट है उसके बाद अगर फाइल करते हैं तो ये जो मैंने शेड किया है ये वाली लेट फीस लगेगी। तो ये सर पर्टिकुलर भाई 21-22 तक के लिए दिया है इन्होंने ये कंडीशन, हाँ 21-22 के लिए ये वाला, 21-22 तक अब ये हो जाए, 17 से लेके 21-22 तक के लिए। यस यस सर, व्हाट अबाउट अगर इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 इफ टैक्स इज सेंट्रल टैक्स इज पेबल less than 1000, say central tax is payable 300, any limitations on the late fees? Nahin, subject to higher. On the question of equality, this is very valid question. This is very, मतलब एक रुपया अगर आपका CGST बनता है तो late fees 1000 कैसे बन सकता है? But on the question of equality, this is a very valid question that commensurate late fees should be levied, but that is not so, Sumanji. Therefore, यही है, ठीक है सर। एनी अदर इवन सर, हाँ इफ समवन हैज ऑलरेडी फाइल रिटर्न बिफोर दिस डेट तो एंड हैज ऑलरेडी पेड द फीस, हाँ दैट फीस शैल बी रिफंडेड और व्हाट? सो व्हाट डू यू थिंक, द गवर्नमेंट इज सो काइंड, सो गवर्नमेंट इज पेनलाइजिंग द टैक्स पेयर्स हु हैव कंप्लाई विद द लॉ? नहीं होता है, मतलब Government will not refund the amount. Never. But can one say that government is penalizing the compliant taxpayers? Yes, you should say this. You should say this. So everyone should delay the filing of the return and... Yes, you should say this. You should always say this. Suppose somebody has filed the GSTR-4 just before first day of April 2023 on 31st March. Will he get the benefit? No, he won't be getting any benefit. So, yeah. So the constitutional questions which need to be challenged in the courts. ये वड़ा वटे कोशिश कर रहे हैं। वड़ा वटे कोशिश ना। ये वांधे इतने जोड़ी। ये आधान लगे इतने करना। ये ग्लास लगे इतना ग्लास वड़ा वटे। बाप रे। और कोई सवाल? हेलो सर। हेलो। हाँ रवि नारायण जी बोलिए। सर ये जो 250 है 250-250, 500 ये पर क्वार्टर लगेगा? पर रिटर्न है? हाँ पर रिटर्न लगेगा ना? हाँ यस यस। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सर ऐसा इसमें सर ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि मान लो रिटर्न में नील फाइल करूं और जो टैक्स लायबिलिटीज है वो DRC-03 से फाइल कर दो तो अच्छा, रिटर्न नील फाइल करो और जो बचा हुआ टैक्स है वो DRC-03 से फाइल कर दीजिए। नॉट बैड सजेशन, गुड सजेशन, clever suggestion, but in the scrutiny sir they will ask for this 250-250. मुझे नहीं लगता, this late fees will be calculated automatically total. Grish ji is saying risky suggestion, I said clever suggestion, Grish is saying risky suggestion. और है सर, आपने जो पुराने नोटिफिकेशन रेफरेंसिंग समझाई थी एक बार वो फिर बता दीजिए। प्रतीक, ये जो पुराना नोटिफिकेशन है, ये नया नोटिफिकेशन 2-2023, इसका प्रिंसिपल नोटिफिकेशन और इसके ठीक पहले का नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन यहाँ लिखा रहता है, यह हर नोटिफिकेशन में करते हैं, एवरी नोटिफिकेशन ये करेंगे। और फिर जब आप हर नोटिफिकेशन जैसे ये खोल लेंगे, फिर उससे पहले खोल लेंगे, उससे पहले खोल लेंगे, तो एक नोटिफिकेशन की सीरीज बन जाएगी आपके पास। और कोई सवाल? गणेश शर्मा जी बोलिए, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गणेश जी, गणेश शर्मा आपकी आवाज नहीं आ रही है।
नहीं आ रही आवाज गणेश शर्मा जी, आप अगर हमसे बात कर रहे हैं तो नहीं आ रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। 3/2023 सेंट्रल टैक्स सेक्शन 148 स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टेन प्रोसेस और अगेन प्रिंसिपल नोटिफिकेशन इसमें दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये पहली बार आया है। ये देखिए इसमें प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नहीं दिया, इसका मतलब पहली बार आया है इस तरह का नोटिफिकेशन। अब अच्छा एक बात बताइए, whether रजिस्ट्रेशन शुड बी कैंसल्ड फॉर ऑफ एनी पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस। सपोज 1 vs 3B में डिफरेंस है, यू स्टार्ट कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन। 3B vs 2B में डिफरेंस है, यू स्टार्ट कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन। द पर्सन इज नॉट कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन। इज इट ए राइट वे टू कहीं नहीं लिंदो लिंदो छोड़ी दे बेटे ने कहे के भाई दो आप कर ही तो तुम कहिए। नो इट इज नॉट राइट। व्हाई इट इज नॉट राइट? व्हाई इट इज नॉट राइट? नीचे कॉन्स्टिट्यूशन लाइवलीहुड्स का जो राइट्स है उसको डिफेंड कर ये करता है। यस इट इंफ्रिंजेस द 19(1)(g) राइट। महावीर जी आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप प्लीज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। महावीर अग्रवाल जी, महावीर अग्रवाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? चलिए तो 19(1)(g) का मद्रास हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है, उसको जरूर से पढ़िए, जहां पर दे हैव सेड और इन्होंने उस मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में दे हैव क्लब्ड अराउंड 100 रिट पिटिशंस एंड गेव वन ऑर्डर दैट कैंसलेशन इज शुड नॉट बी द फर्स्ट सॉल्यूशन, दैट शुड बी द लास्ट मेजर बाय द डिपार्टमेंट। फर्स्ट यू ट्राई टू रिकवर द टैक्स बट डू नॉट कैंसल द रजिस्ट्रेशन, बट सिंस यू कैंसल द रजिस्ट्रेशन ही इज नॉट एबल टू डू द बिजनेस, इट इन्फ्रिंजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इन दैट मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट इट द मद्रास हाई कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द putting the period of 3 months applying for revocation of registration for 3 months or 6 months or 12 months, this is again it infringes the rights of article 19(1)(g). therefore they have done, they have removed that limitation period and time and again they are giving the relief to apply for revocation of registration. That 3 months, 6 month period, they have altogether removed it. Now let us see what they are trying to do. Who's in exercise of the powers conferred by section 148 of CGST Act, the central government on the recommendation of the council hereby notifies that the registered person whose registration has been cancelled under clause B, what is clause B? GSTF 4 not furnished, or clause C of subsection 2 of section 29 of the said act, and clause C is GST of 1 and 3B not furnished on before 31st December 2022. That is the first condition. And who has failed to apply for revocation of cancellation of subsection within the time period specified in section 30 of the said act. So there are two conditions. That your registration has been cancelled before 31st December 2022 and you were not able to apply for revocation. It means that if your registration is cancelled after 31st December, then this notification will not apply to you. Or it has been cancelled after 31st December, but you applied for revocation, then again it is not applicable to you. As a class of registered person who shall follow the following special procedure in respect of revocation of cancellation of such registration, namely, the registered person may apply for revocation of cancellation of such registration up to 30th June 2023. The application for revocation shall be filed only after furnishing the return due up to effective date of cancellation of registration and after payment of any amount due as tax in terms of such returns, along with any payment payable towards interest, penalty and late fees in respect of such return. So, agar aapka registration 31 December 2022 se pehle cancel hua hai aur aap apply nahi kar paaye hain, to aapka jo jitna bhi pending return hai along with tax, interest and penalty and late fees jama kar dijiye,
और रिवोकेशन के लिए 30 जून 2023 से पहले अप्लाई कर दीजिए तो आपका रिवोकेशन हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये पेनल्टी क्यों लिख रहे हैं यहां पर? व्हाट दे आर राइटिंग पेनल्टी? पेनल्टी इज द थिंग ऑफ एडजुडिकेशन। क्या ये लेट फीस क्यों पेनल्टी लिख रहे हैं, कोई आइडिया किसी को? हेलो, मतलब जब आप रिवोकेशन के लिए जाएंगे तो यू हैव टू पे, आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा। मुझे तो डाउट लग रहा है ये पेनल्टी लिखने का मतलब क्या बना। इंटरेस्ट ठीक समझ में आता है, लेट फीस समझ में आती है, लेकिन पेनल्टी इज द, मान लीजिए ऑर्डर पास हो गया, उस ऑर्डर में आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। पेनल्टी किस सेक्शन में लगा दी गई? रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो रहा है, 1 vs 3B का डिफरेंस क्या 73-74 हुआ था आपको, मतलब दिस प्रोविजन, ये जो पेनल्टी का पॉइंट है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेनल्टी क्यों मांगना चाह रहे हैं। Explanation, for the purpose of this notification, the person who has failed to apply for revocation of cancellation of registration within the time period specified in section 30 of the said act includes a person whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting application for revocation of cancellation of registration under section 107 of the said act has been rejected on the ground of failure to adhere to the time limit specified. करके आपस में बात कीजिए। तो अगर आप अपील में गए, अपील आपका रिजेक्ट हो गया या अपील पेंडिंग है, तब भी ये नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल होगा। सो इफ यू आर इन अपील एंड अपील इज पेंडिंग और रिजेक्टेड, देन आल्सो दिस नोटिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल टू यू। एनीवन हु वांट टू ऐड एनी ओपिनियन ऑफ योरसेल्फ, कोई अपना ओपिनियन दे रहा है? सर, हियर जो पेनल्टी है, हाँ ये पेनल्टी आई थिंक मेरे पास एक आया था, उसका देख रहा था मैंने, एक जॉब वर्कर का। अच्छा। उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया। हाँ। क्या हुआ कि 17-18 में उसको भैट का जॉब वर्क था, वो इनिशियली पीरियड में उनके उनको टैक्स उनको बिल पेमेंट हो गया, लेकिन उसमें वो लोग क्या हो कि जीएसटी नहीं दी, जीएसटी बाइफ्रिकेशन नहीं किए और मिला के दे दिए। उस टाइम वो जॉब वर्कर उसको फाइल नहीं किया था, तो डिपार्टमेंट ने उसको क्या किया, उसका ऑर्डर निकाल दिया इंक्लूडिंग पेनल्टी। वो बाद में जब आया पेनल्टी किस सेक्शन में निकाला? आई थिंक 73 में ऐसा कुछ हुआ, 73 या 74 में। अच्छा, फिर तो वो उसको पेमेंट नहीं किया, उसका ऑर्डर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, फिर उसके उसका पेमेंट वो नहीं किया, 6 महीना उसने रिटर्न भी फाइल नहीं किया, उसका रजिस्ट्रेशन सुमुटो कैंसलेशन हो गया। तो आई थिंक उसमें ये पेनल्टी शायद मांग रहे हैं उस ऐसे केस में। देखिए, पेनल्टी एडजुडिकेशन का मामला है, जब तक मिनिस्ट्रिया नहीं हो पेनल्टी देने की जरूरत नहीं होती है, तो ये सब भी है, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि जब मोटा अमाउंट कहीं मिलेगा तब समझेंगे इसको किस तरह से लॉ के अकॉर्डिंग देखना है। हाउ टू फाइल जीएसटी आर रिटर्न्स व्हेन जीएसटी नंबर कैंसल्ड एंड पोर्टल नॉट अलाउड टू फाइल, ऐसा होता है क्या? जीएसटी नंबर अगर कैंसल हो गया है तो आप पुराना रिटर्न तो फाइल कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपका जीएसटी रिटर्न 1 जुलाई 2017 से ही कैंसल्ड है तब आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब फ्रॉड का केस, अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो। हेमंत जोशी जी, फाइल होता है सर? हाँ, मतलब जिस जानते उससे पहले का फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2017 से ही कैंसल्ड है तो कैसे फाइल कर पाएंगे? नहीं, 17 से नहीं हो, मेरा अभी अभी एक क्लाइंट का कैंसल हुआ था। उसका मैं करवाया, रिवोकेशन करवाया उसका, उसका सारे के सारे रिटर्न फाइल कर दिए, 30 डेज के अंदर रिवोकेशन फाइल कर दिया, उसका रिवोक हो गया। अभी मेरे पास आज ही सुबह किसी कोई बता रहा था कि उन्होंने पेंडिंग रिटर्न सारा फाइल कर दिया, अपने आप रिवोक हो गया ऑफिसर। हाँ, वो ड्रॉप,
सोमोटो नहीं होगा, सोमोटो में नहीं होगा, अगर उसका कैंसर सस्पेंडेड हुआ है तो हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो ये हमने लिख भी दिया, applicability of this notification, registration cancelled on or before 31st December 2022 yes. and time period as per section 30 has been expired for revocation. Non-applicability okay. of this notification, registration cancelled on or after 1st January 2023 or has applied for revocation within time. तो ये चेक कर लीजिए, ये PDF जो मैं आपको दिखला रहा हूँ वो मैं आपको भेज दूंगा। अब ये 4/2023 में ये आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, 4/2023 और 5/2023 हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं। 6/2023 अगेन 148, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से रिलेटेड कुछ है। रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्ड टू फर्निश अ वैलिड रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इश्यूड ऑन और बिफोर 28 फरवरी 2023 under subsection 1 of section 62 of the said act as the classes of registered person in respect of whom said assessment order shall deem to have been withdrawn if such registered person follow the special procedure as specified below. So section 62 mein aapka best judgment assessment order ho gaya hai and that best judgment order has been issued on or before 28 February 2023 then the registered person shall furnish the said return on or before 30th June 2023. The return shall be accompanied by payment of interest and late fees. देखिए यहाँ पर पेनल्टी नहीं है। Okay. Irrespective of whether an appeal has been filed against such assessment order under section 107 of the said act or whether or not appeal, if any, filed against the said assessment order has been decided. So if you have received any assessment order under section 62 and you file the return against the said order, it means that you admit your liability. And file the return by 30th June 2023 along with interest, then that proceeding against section 62 will be dropped. क्या लग रहा है इसमें? तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या कह रही है कि सेक्शन 62 में हमने असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, जितना टैक्स और इंटरेस्ट बनता है अगर आप फाइल कर देंगे तो फिर ठीक है, फिर आपका असेसमेंट ऑर्डर ड्रॉप हो जाएगा, अपील में गए हैं उसके बावजूद ड्रॉप हो जाएगा। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट आपको सिंपली ये कह रही है कि एडमिट योर लाइबिलिटी एंड पे विथ इंटरेस्ट, खत्म करते हैं। क्या लगता है कितने लोग ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे? पार्ट लीजिए पहले। किसी के पास है ये असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62? चलिए नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 सेक्शन 128 अगेन वेजर ऑफ लेट फीस सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। अब देखिए इसमें दो पार्ट है इस नोटिफिकेशन, देयर आर टू पार्ट्स इन दिस नोटिफिकेशन। द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज परमानेंट लेट फीस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स, जिस तरह से GST-4 के लिए हुआ था वैसा ही है। और ये क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, किसी की आवाज लेट फीस फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, अप टू 5 करोड़ है, 25 रुपीज पर डे subject to maximum of an amount calculated at 0.02% of turnover in the state or union territory. Double कर लेते हैं, 50 rupees per day or 0.04% of the turnover in a state or union territory. If your aggregate turnover exceeds 5 crore and is up to 20 crore, then 50 rupees per day or 0.02% is the maximum. Double कर लेते हैं, 100 rupees per day and 0.04% of the turnover in the state. इसका मतलब exceeding, अगर exceed करेगा 20 करोड़ से तो लेट फीस वही जो सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ रुपीज 100 पर डे, दैट इज डबल कर लेते हैं रुपीज 200 पर डे, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 0.25%, दैट इज 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये अब नया लेट फीस लेके आ रहे हैं जो 22-23 ऑनवर्ड्स है,
फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा अप टू 2 करोड़ है तो उसको तो ऐसे ही एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर लेट फीस कैलकुलेट नहीं होगी। बट नाउ द सेकंड लिम ऑफ दिस नोटिफिकेशन सेज दैट provided that for the registered person who failed to furnish the return under section 44 of the said act by the due date for any of the financial year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 and 21-22, jo ja chuka, due date bhi ja chuka, the due dates of these annual return has already expired, but furnish, now you are furnishing the said return between the period 1st April 23 to 30th June 2023, then the total amount of late fees shall stand waived, which is in excess of 10,000 rupees. Therefore, the late fees will be maximum 10,000 plus 10,000, that is 20,000, if you are filing the annual return of these financial years by this period, April to June, then the late fees will be maximum 10 plus 10, 20,000. But for 22-23 onwards, they have done the staggered late fees. They have calculated the staggered late fees. किसी को कुछ कहना? Anyone? Does it mean that it says that government is restricting the total fees in totality to 10,000 and asking the taxpayers to comply? It is. Government actually wants now. आपने एक देखा होगा, एक फाइनेंस एक्ट में भी आया है कि 3 साल के बाद आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी एबल टू फाइल रिटर्न आफ्टर 3 इयर्स। व्हाई दे आर सेइंग दो दे वांट टू आर्काइव ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, दे वांट टू आर्काइव बिकॉज इट इज द सर्वर हैज बिकम वेरी हैवी, सो दे वांट दैट ऑल दिस हैज टू बी कंप्लाइड विद सो दैट दिस कैन बी आर्काइव्ड एंड ना फिर उसको उसी तरह से। अब आर्काइव होने के बाद कैसे वो रिट्रीवल होगा हम लोग के पास, ये सोचने वाली बात है। एनीथिंग एल्स? अवधेश जी वेलकम। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर 9 तो फाइल हो चुका था लेकिन 9C फाइल नहीं हुआ था, तो क्या ये फी एप्लीकेबल होगा लेट फी? हाँ हाँ होगा होगा। अच्छा 44 में, सेक्शन 44 में 9 और 9C दोनों आता है ना? हाँ वो तो है। 9C का तो लेट फीस नहीं उठाता है ना? 9C का लेट फीस नहीं है, नहीं वो जनरल पेनाल्टी लगा देते हैं लोग। नहीं नहीं पेनाल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेट फीस की बात कर रहे हैं। नहीं लेट फीस की बात सर, लेट फीस ऑटो नहीं लेता है वो। नहीं लेट फीस नहीं है सर। अच्छा देख लीजिएगा लेट भी ऑटो नहीं लेता है। मैं तो लॉ में सेक्शन 44 में 9-9C दोनों आता है, लेकिन बट स्टिल चेक सर। 9C इज पार्ट ऑफ ऑडिट। 9C इज पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न एंड नो इट वाज प्रीवियसली टर्म्ड एज ऑडिट, सो इट वाज कवर्ड अंडर 35 अप टू आई रिमेंबर द सेक्शन। अच्छा 44 में आप कह रहे कवर नहीं होता है? वन सेकेंड सर, होता है मैं दिखलाता हूँ आपको। बट सर एक्चुअली लेट फीस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन 9C, पोर्टल इज नॉट चार्जिंग लेट फीस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ 9C, इट इज अंडर डिस्क्रिशनरी पावर्स फॉर ज्यूरिस्डिक्शनल ऑफिसर at the time of adjudication they can levy penalty. जी सर, under yes under CGST and SGST act separately. एक बार पढ़ लेते हो सकता आप लोग सही हो। Every registered person shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form 31st December. ठीक है, annual return है तो फिर 2 में है, every registered person required to get his accounts audited, जो ये delete भी हो गया है ना? Yes. Okay. 44 subsection 2 delete हो गया है ना? हाँ, भी delete हो गया है। एक मिनट देख लेता हूँ। Delete हो गया तो आप लोग जो कह रहे हैं वो सही हो जाएगा। फिर 9C पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी।
नहीं सर, 9C पर लेट फीस नहीं लगी, पहले भी 50,000 की पेनल्टी एक ऑडिट में था, तो उसमें ऑडिटर ने 50,000 का पेनल्टी लगाया था, 25,000। नहीं नहीं पेनल्टी भूल जाइए ना सरफराज जी, मैं बार बार लेट फीस पूछ बोल रहा हूँ, आप पेनल्टी ले जाते हैं, अलग अलग दोनों चीजें है ना। हाँ ठीक है, सेक्शन 2 डिलीट तो किया उन्होंने पर, लेकिन वो जो 44 में ही इंक्लूड कर दिया एनुअल रिटर्न जो अभी लेटेस्ट में, ये पढ़ लेते हैं सुमन जी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जी शैल फर्निश एनुअल रिटर्न व्हिच इज व्हिच वुड मे इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसीडरेशन स्टेटमेंट। हां तो गया 9C में, इसका मतलब लेट फीस लगेगी, ठीक कह रहे हैं सर, दोनों का अलग अलग लगेगा क्या लेट फी, 9 का और 9C अलग अलग दोनों लगेगा। शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न व्हिच मे इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड, दोनों नहीं अलग अलग तो नहीं लग रहा है मेरे को, अलग अलग तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये दोनों एक ही है 9 और 9C। एनुअल रिटर्न इंक्लूड्स इंक्लूड्स सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक ही मानेंगे सर, एक ही मानेंगे सर, एक ही मानेंगे। यस सर, तो फिर इसमें ऐसा हो जाएगा ना, अगर 9 में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न वो विद इन ड्यू डेट फाइल करता हो और 9C में लेट फाइल करता हो तो ये मानेंगे कि 9 फाइल ही नहीं हुआ है सर। पोर्टल तो आपको अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, 9 फाइल कर सकते हैं, 9C बाद में भी फाइल कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 9C फाइल नहीं करते हैं तो क्या उसको ये माने, तो वो लेट तो ये मानेंगे कि 9 फाइल ही नहीं हुआ है। हाँ सर, मैं आप लोग का ओपिनियन चाह रहा हूँ, यदि 9C फाइल नहीं हुआ, 9 फाइल हो गया, इसका मतलब यह है कि 9 फाइल एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, मुझे भी लग तो वही रहा है लेकिन आप लोग का ओपिनियन चाह रहा हूँ, क्योंकि वर्ड सुमन जी क्या कहते हैं आप, चलिए सर, अगर कोई 2CR से नीचे वाला टैक्स पेयर है उसका 9 फाइल करते हैं तो उसमें लेट फी आती है नहीं आती है? नहीं आने चाहिए, बिकॉज दैट इज है वॉलंटरी, इफ समवन वांट्स टू फाइल हाँ लेट फी कैलकुलेट नहीं करता तो नहीं आनी चाहिए, तब भी नहीं आनी चाहिए 2 करोड़, लेकिन लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो आएगी सर, आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, मैंने फाइल किया नहीं है लेकिन आना चाहिए, आना चाहिए। जो चीज ऑप्शनल है आप सोच के देखिए अवदेशी, मैं किस ग्राउंड पे बोल रहा हूँ, जो चीज ऑप्शनल है उस पर आप लेट फीस क्यों लगाना चाह रहे हैं, ये तो मेरी मर्जी है, मैं फाइल करना चाह रहा हूँ, मैं लेट फाइल को उसमें डेट ही नहीं है, समझ रहे हैं, पोर्टल कुछ भी कर सकता है, वही पोर्टल में ले लेता है, हाँ पोर्टल कर सकता है, लेकिन नहीं सर पोर्टल से नहीं लेता है, मैंने फाइल किया है, नहीं ले रहा है, मैंने फाइल नहीं किया है इसीलिए मैंने, किसी ने फाइल किया है सर, प्लीज शेयर योर ओपिनियन। सर मैंने फाइल किया है GST 9 जो ऑप्शनली था, हाँ तो उसके लिए कोई नहीं लगता है, मैंने लेट फी पोर्टल नहीं लेता है, ओके नहीं लेता है, नहीं आया, ग्रेट, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं इसलिए सर, यस यस नहीं आना चाहिए, मतलब लॉजिकली नहीं आना चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है। नेक्स्ट, ये एक अलग 8/2023 128 GST 10, इसमें जो लेट फीस है वो जो पहले 5,000 GST 10 किसके लिए है, फाइनल रिटर्न इफ ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो 5,000 को कितना कर दिया गया, 500 कर दिया गया, यानी कि सी प्लस एस मिला के 1,000 बेसिकली लेट फीस है, तो जिनका भी GST 10 नहीं फाइल हुआ वो दे कैन फाइल इट, अगेन पीरियड इज अप्रैल टू जून 2023। अब ये 9/2023, हाँ ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वी डील वी फोकस ऑन नोटिसेस। नाउ व्हाट दे आर सेइंग फॉर फाइनेंशियल ईयर, अच्छा सेक्शन 73 का लास्ट डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ ऑर्डर क्या था,
3 years from the due date of filing of return. Hello. 3 years from the due date of filing of return. Now 17-18, the due date of filing of return was for some states. Again, some states, there were three categories: 3rd, 5th, and 7th February 2020. If I add 3 years, it will come to 3rd, 5th, 7th February 2023. Now, what they have done, they have for financial year 17-18, they have issued, they have extended the date of issuance of order till 31st December 2023. This. So, jo original tha, wo, ye pehle kya tha? 30 September 2023 kiya tha, inhone ek amendment se. Is 30 September ko bhi they have extended to by 3 months, 31st December 2023. Therefore, section 73, only 73, not 74. Therefore, section 73 notice can be issued till isse 3 mahine pehle, 30th September 2023. So, hum log jo soch rahe the, April aa gaya, April mein June khatam ho gaya, ab khatam nahi hone wala, September tak jayega ye. Sir, ye notification se kar sakte hai extend? Section 168A mein ek special power hai, usse kar raha hai. Okay. और 18-19 का जो ओरिजिनल डेट था वो था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31st December 2020. इफ यू ऐड 3 इयर्स इट विल कम टू 31st December 2023. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दे हैव इंक्रीज बाय 15 मंथ्स 31st March 2024 फॉर 18-19. फॉर 19-20 द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग of annual return was 31st March 2021. If you add 3 years, it comes to 31st March 2024. And they have extended till 30th June 2024. But only for section 73. So this is the major change which you have to keep in mind while you are handling the GST notices. The strategy which you have to find the strategy, because they can issue the notices of sections for creating a demand under section 73. So, ye date aapko yaad rakhni hai. Isme teen mahine manage karte jayenge aapko. They have not changed for 2021. They have not changed for 21-22. To uska original humne hi likha hai. 28 February 2022. Isme 3 saal jod dijiye. 28 February 2025. 31 December 2022. Isme 3 saal jod dijiye. 31 December 2025. Baki ye change ho gaya hai. Ye 3 saal ka. Completed. Now you can ask any question, and if you can put your video on, it will be good. We can. Sir, mera ek question tha. Interact kar lenge. Hello. Sir, ek mera question tha ki hamare ek party mein hamare usne hai na ek GST registration tha jo suspended hai return nahi file karne ki wajah se. तो हमने दूसरा रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, वो सस्पेंड हुआ था 2020 में. अच्छा, नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर. तो अभी सेम पैन, एक मिनट, जो सेम पैन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था उसी का आपने, उसी पैन पे आपने फिर से एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया? यस सर. ऐसा पॉसिबल है सर? करने दे रहा है सिस्टम? जी सर, देता है सर, देता है सर. लेकिन मिलता नहीं है. नहीं, अभी सर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप उसका जो GSTR 10 हमने नहीं भरा था तो वो उसकी फीस भर दीजिए. और दूसरा, जब तक जहां तक उसका सस्पेंड जो है ना, वहां तक के आप पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दिए विद लेट फी एंड इंटरेस्ट. तो मेरा क्वेश्चन सर ये था कि उन्होंने मेरा मई 2020 में नंबर सस्पेंड कर दिया था, तो मेरे 6 रिटर्न्स बाकी थे. तो मैं वो फाइल कर दूं तो वो नंबर ऑटोमेटिकली फिर मुझे, अभी ये नोटिफिकेशन में क्या होता है कि भाई आपके वो रिटर्न फाइल किया तो आपका नंबर एक्टिव हो जाएगा. तो मैं उस दिन की डेट में कैंसलेशन एप्लीकेशन करके वो रिटर्न न फाइल करूं और नया नंबर ले लूं तो चलेगा? देखिए, ये
कुछ कुछ जुगाड़ टाइप का लग रहा है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है इसमें, क्योंकि मुझे उसी में प्रॉब्लम है कि आप बिना सेम पैन पे जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल हुआ आप नया अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जवाब मेरे पास है नहीं, बाकी लोग देना चाहे तो दे सकते हैं। नहीं सर, उसमें ऐसा होता है कि मान लो उसने बिजनेस क्लोज कर दिया। प्लीज प्लीज, अब मैं नहीं जवाब दे सकता, इसका मैंने बताया आपको। ठीक कह रहे हैं प्रतीक जी। विनोद जी नमस्ते। और कोई सवाल सर? इसमें जीएसटीआर 3B और 1 में कोई एमनेस्टी स्कीम लाए लोग कि नहीं लाए? नहीं। तो सर बीच में ऐसा कुछ आया था ना सर कि आपके जो भी अब रिटर्न्स जो है वो सर्टेन डेट के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। 3B और 1 का तो नहीं है। और कोई? विनोद जी नमस्ते। विनोद जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विनोद जी पंजाब से हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। विनोद जी यस, हम लोग ये PDF शेयर कर देंगे। कही है सर, फाइनेंस एक्ट के थ्रू सेक्शन 30 में अमेंडमेंट ले आए, लेकिन अभी रिवोकेशन का टाइम 30 डेज है। मैं वही कह रहा था, सेक्शन 30 में दे, वो क्या करेंगे सेक्शन 30 में अमेंड करके, अब वो बाय नोटिफिकेशन जो डेट है वो बढ़ाते रहेंगे। अब मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे, उसी का इफेक्ट है ये। और कोई सवाल? अनूप जी हेलो सर जी। हाँ बोलिए बोलिए सर जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल अपना May 19 से हुआ है, और अपना ये जो स्कीम आया है उसमें आप रिटर्न May 19 तक भर सकते हो कैंसलेशन तक का। एक मिनट निकाल लो नोटिफिकेशन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके बाद मुझे लेट फी नॉर्मल लगेगी कि एज पर नोटिफिकेशन लगेगी? अब देखिए 1 और 3B फाइल कर रहे हैं तो जितना लेट फीस लगना चाहिए उतना लगेगा। अच्छा, मुझे बेनिफिट खाली जहां तक कैंसल हुआ है वहां तक ही मिलेगा? नहीं नहीं, लेट फीस का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा 1 और 3B की जहां तक बात आ रही है। अगर आपका पेंडिंग रिटर्न है वो आपको विथ लेट फीस आपको जमा करवाना पड़ेगा। देखिए लिख रहा है इंटरेस्ट पेनल्टी, वो तो पेनल्टी क्यों लिख रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इंटरेस्ट लेट फीस मांग रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली पेनल्टी होनी नहीं चाहिए। देखिए लेट फीस जो नॉर्मल लेट फीस लगती है 1 और 3B का लेट फाइल करने वो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, मतलब नॉर्मल लगेगी जो लगता है वैसा ही? यस यस, स्टैगर्ड कर दिया ना आप, तो अगर नील रिटर्न है तो कम लगेगी इससे, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो थोड़ी और ज्यादा, 5 करोड़ से ऊपर है थोड़ी और ज्यादा, इस तरह से कर दिया उन्होंने 1 वर्सेस 3B, 1 और 3B का। अच्छा, थैंक यू सर। ओके ओके वेलकम। और बताइए सर, सर ये मान लो चलो ये चीज है, वो लोग बोल रहे पेंडिंग रिटर्न आप फाइल कर पा रहे हो, तो सर एक उसमें 3B में जो कंडीशन है सेक्शन 16 में कि आपने 3B में क्रेडिट क्लेम की होनी चाहिए, तो उसमें मान लो 18, 19, 20 का बिफोर जो एनुअल रिटर्न्स की डेट है या सब नाम बताइए पहले, आपका नाम आईफोन नजर आ रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम तौसिफ वोरा। अच्छा तौसिफ जी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर इसमें मान लो 18, 19 या 19, 20 पर्टिकुलर एक ईयर की क्रेडिट लेने के लिए टाइम पीरियड है कि भाई एनुअल रिटर्न की डेट और सितंबर की डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, व्हिच एवर इज अर्लियर। तो मान लो अभी कोई SEC है जो जिसका रिटर्न अभी फाइल कर रहा है और वो 3B में क्रेडिट क्लेम कर सकता है सर, वो अलाउड होगा लीगल? देखिए मैंने ये कई सेमिनार में भी कहा, अगर आप पुराना
क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं ड्यू डेट के 16/4 के एक्सपायरी के बाद, तो वो पॉसिबल है, और वो कैसे पॉसिबल है, या क्लेम आज कीजिए, ऑफिसर को कहिए कि एक ऑर्डर पास कर दे, गो फॉर अपील, फिर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑलरेडी चैलेंज्ड है, अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 स्ट्रक डाउन हो जाता है इन फेवर ऑफ द एसएससी, तो यू विल बी एलिजिबल टू अवेल द क्रेडिट। ये लंबा प्रोसेस है। फॉर्म 10 किसके लिए एप्लीकेबल है? हां जी ज्योति जी, फॉर्म 10 जो जीएसटीआर 10 भरने का है सर, किसके लिए एप्लीकेबल है? जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता उनके लिए एप्लीकेबल है। नेचर तो अगर उसका टर्नओवर 0 हो तो नील हो तो तब भी जीएसटी 10 तो फाइल करना कंपलसरी है। नहीं लगा टर्नओवर रहा पिछले 5 साल से तभी करना जरूरी है? नहीं नहीं 10 फाइल करना जरूरी है। आपको ये डिक्लेरेशन है बेसिकली कि यू हैव नो टैक्स लायबिलिटी ऑन दिस ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और कोई सवाल? गुड इवनिंग सर। सर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन सीओ मोटो कैंसिल हो गया है और उसे हमने परचेज कर रखा है। सीओ मोटो मतलब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर रहा है? हाँ जी। अच्छा आगे? तो हम तो उसके परचेजर हैं, मतलब कि हमने उसे मटेरियल परचेज किया था, तो अब हम उसका आईटीसी तो क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल सीओ मोटो, नहीं कर सकते तो क्योंकि उसने अपनी रिटर्न भरी नहीं है, रिटर्न ना भरने की वजह से उसका नहीं। देखिए ऐसा है कि डिपार्टमेंट तो कहेगा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आप क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि यू हैव परचेज द परचेज यू हैव मेड इज ए जेन्युइन परचेज, यू हैव कंप्लाइड विद ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, द सप्लायर वाज सस्पेक्टेड, सप्लायर वाज फ्रॉड, Yes. बाद में वो फ्रॉड करके भाग जाता है, तो why you should pay the tax? आप अगर ITC आप रिवर्स करते हो, बाद में सप्लायर से भी वो रिकवरी करता है, तो गवर्नमेंट को तो डबल बेनिफिट हो गया। Yes. और सेम ट्रांजेक्शन पे डबल टैक्स लग गया, तो अगर Thank ऐसा you. कोई नोटिस आपके पास आता है देन यू कैन लिटिगेट इट। सर ऐसा ही केस एक हमारे एक टैक्स पेयर में एक सर एक हुआ है कि जिसका नंबर कैंसल हो गया था 17-18 से ही, तो सामने वाली पार्टी को शो कॉज नोटिस आई थी कि भाई आपने टैक्स पेयर ने पैसा नहीं भरा है तो आपको विद इंटरेस्ट उसका क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। तो हमारी पार्टी ने उसका जो भी टैक्स और इंटरेस्ट बनता था वो उसको दे दिया वो पार्टी को। तो आज की डेट में अगर मान लो ये स्कीम का बेनिफिट लेना है और उसको नंबर अगर एक्टिव करना है तो उस केस में वो जो टैक्स पार्टी ने वो सामने वाली पार्टी को क्रेडिट जो टैक्स नहीं भरा था हमने तो वो रिवर्स की है क्रेडिट, तो उसका कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? मुझे रास्ते में पता नहीं लगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप। मैं सर सीधा सिंपल एक ही क्वेश्चन में, मैंने जिस पार्टी को सेल्स किया था ना वो मैंने टैक्स नहीं भरा था तो उसको क्रेडिट अलाउड नहीं और मेरा नंबर कैंसिल हो गया था। किसका कैंसिल हो गया? मेरा मेरा। अच्छा ठीक है। अब सामने वाली पार्टी ने तो इनवॉइसेस के बेस पे क्रेडिट ले ली थी, उसका ऑडिट आया और वो 2A में नहीं दिख रही थी, तो उसने टैक्स जो ऑफिसर है ना उसने क्रेडिट रिवर्स करवा दी वो पार्टी की। ठीक है। तो अभी इस केस में मान लो मैं 3B1 फाइल कर रहा हूँ अभी, तो मैंने वो पार्टी को टैक्स दे दिया है कि मैंने जो नहीं भरा था वो। तो ये जो सप्लायर का एक सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है 17/18/18/19 का, विप्रो का एक कर्नाटका हाईकोर्ट का केस है कि वो 19-20 में भी एप्लीकेबल होगा, तो सप्लायर अगर वो सर्टिफिकेट रिसिपिएंट को दे देता है तो डिपार्टमेंट को क्रेडिट अवेल करने देना चाहिए। नहीं मेरा सर क्वेश्चन रिवर्स है। और कोई सवाल? सेक्शन 16(4) का कोई हुआ सर सॉल्यूशन? 16(4) अभी चैलेंज्ड है बहुत सारे कोर्ट्स में। इसका क्या हल होगा सर? हल ये होगा कि एसएससी के फेवर में आना चाहिए। अगर आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा भाई एसएससी के फेवर में आना चाहिए।
एक तो आर्टिकल 300A का ग्राउंड है, दैट इज योर इनहेरेंट राइट। दूसरा एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो एक्ट क्या कहता है वो बता देता हूं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग। अब देखिए सेक्शन 16 इसके इसका पहला सबसेक्शन, दूसरा सबसेक्शन और तीसरा और चौथा, चौथा कौन सा है वही 16(4). अब 16(2) क्या कहता पढ़िए, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन। अब ये जो इन दिस सेक्शन है इसका मतलब एंटायर सेक्शन 16 को ओवरराइड कर रहा है। अगर एंटायर सेक्शन 16 को ओवरराइड कर रहा है तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को भी ओवरराइड कर रहा है। यहाँ इन दिस क्लॉज तो नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ इन दिस सबसेक्शन भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं नहीं, दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन मतलब पूरा एंटायर सेक्शन 16 को ओवरराइड कर दिया। जी जी। और वो ये कह रहा है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के सिर्फ ए बी सी डी के क्लॉज को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। भले आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें तो भी, लेकिन सर प्रॉपर ऑफिसर ने डीआरसी 7 लागू कर दिया। नहीं नहीं, आप डी आप प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है वो छोड़िए, है ना, कोर्ट क्या कहेगा। प्रॉपर ऑफिसर कानून नहीं बनाता है, कानून तो पार्लियामेंट बनाता है। और प्रॉपर ऑफिसर और हमारे में डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट डिसाइड करता है। अरुण कुमार अरोड़ा जी, ऑडियो ऑडियो में क्वेश्चन पूछिए वीडियो ऑन करके। सर मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ। हाँ। पीछे सर एक आरसीएम का प्रोविजन आ गया था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर। हाँ। तो सर मेरे पास गुड़गांव सिटी लगता है, वहां सर मेरा डायरेक्टर रहता है, तो हाँ। उसके लिए मैंने घर लिया वहां पर। कंपनी ने सर, ठीक है, जो उसको परक्विजिट देती है सर। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं गुड़गांव का आरसीएम कैसे कंप्लाई करूं, मैं तो खाली दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ। घर जो है और जो सप्लायर है उसका प्रॉपर्टी का, वो दोनों ही गुड़गांव में है। अच्छा, तो मैं सर दुबई से, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड़गांव ही हो गया, तो आपको तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई भी हो गया सर, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी वही हो गया, लायबिलिटी। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। आपको ये समझना होगा अरुण जी, हु इज द रिसिपियंट। मैं ही हूं सर, बिजनेस एंटिटी। दैट पर्सन हु इज पेइंग द कंसिडरेशन। जी। यू आर द रिसिपियंट हु इज इन दिल्ली। जी। अब मैं अगर प्लेस ऑफ सप्लाई निकालूंगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी गुड़गांव, विच इज गुड़गांव। लोकेशन ऑफ सप्लायर गुड़गांव, लोकेशन ऑफ सप्लायर गुड़गांव एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आल्सो गुड़गांव। मेरा तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट के बेसिस पे नहीं निकल रहा, वो तो मीमोल प्रॉपर्टी के बेसिस पे निकलेगा। बिल्कुल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुड़गांव हो गया। बिल्कुल। ओके, तो सी प्लस एस। मैं देना तो चाहता हूँ सर टैक्स, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू पे इट। बाप। आप टैक्स, अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि आप गुड़गांव में जाकर रजिस्ट्रेशन लें? सर मतलब कितना फनी होगा, मतलब मेरा कोई लेना नहीं देना एक बार। और अगर आप यहां से जीएसटी पे कर दें तो सर कंप्लाई नहीं हो सकता वो आरसीएम। तो सी प्लस एस देना था, आपने आई दे दिया। हाँ, तो सर आई देने से भी फिर मैं और फंस गया, वो कहेगा भाई का रिफंड लो, सी प्लस एस दो। आप तो देने की लाइन में आई गए हो, तो सी प्लस एस भी दो, रजिस्ट्रेशन भी लो और आई का रिफंड लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन अरुण जी, सोचने दीजिए मुझे थोड़ा सा। सर आप बता रहे, मैं उस दिन भूल गया, मैं उस दिन था लाइव, मैं क्वेश्चन पूछ नहीं पाया, मैं कहा सर क्या आगे रखूंगा ये। आप मैं बाकी लोगों से भी पूछता हूँ, शायद किसी के पास कुछ बाकी आप पूछ रहे सर, बाकी जो मैंने एलोबरेट करा है ना। हाँ, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा किसी को बताऊंगा। ठीक है, किसी का कोई सॉल्यूशन इसका? हाँ सर जी, इसमें लोकेशन ऑफ सप्लाई इज ए प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दी अपना सप्लायर, तो इनका सप्लाई हो गया अपना दिल्ली, तो आईजीएसटी होगा ना। दिल्ली कैसे हो जाएगा हेमंत जी, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ दी सप्लायर ना, सप्लायर गुड़गांव में है सर, तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी मोर प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। जी, दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। हाँ ठीक है, वो फैक्ट्स हैज बीन अप्लाइड टू द लॉ, दैट इज करेक्टली अप्लाइड। अब सॉल्यूशन बताइए। मैं बताऊं सर? हाँ प्लीज बताइए। मेरे को सर ये था, जो मैंने उस आरसीएम को नोटिफिकेशन को 3-4 बार पढ़ा,
सर जब हम वैट रेजिम से काम करते आ रहे हैं, सेल टैक्स से रादर करते आ रहे हैं, तो सर सीएसटी एक्ट एक होता था, लेकिन मैं जितने स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेता था उसमें मेरे को सीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता था, वरना सी फॉर्म नहीं मिलता था। ऐसा नहीं हुआ कभी भी वैट रेजिम में या सेल टैक्स रेजिम में कि आपने दिल्ली का सीएसटी ले लिया है तो सेंट्रल एक्ट है, मुंबई में मत लो आप, फिर वो मुंबई के सप्लाई के आपको सी फॉर्म नहीं मिलेंगे। वही सीएसटी एक्ट जो है आज सर सीजीएसटी से रिप्लेस हुआ है। स्टेट एक्ट सबका अपना अपना, आईजीएसटी से रिप्लेस हुआ सीएसटी। हाँ वो सर हुआ, लेकिन एक सीजीएसटी भी सर वैसा ही कॉमन लॉ है, ठीक है, जो सभी मतलब हम उसको फॉर द टाइमिंग उससे इक्वेट कर सकते हैं, वो एक कॉमन लॉ है, सारे स्टेट और सारे यूटीज को लगना है, ठीक है। अब सर जो आरसीएम में मेन प्रोविजन है वो ये है कि आपको आरसीएम की लायबिलिटी किसके ऊपर है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड। हाँ ठीक है, मैं तो रजिस्टर्ड हूं ही नहीं उस स्टेट में भाई, रजिस्टर्ड का मतलब मेरे को कोई 36 स्टेट का थोड़ी काउंटिंग कर लोगे एक रजिस्ट्रेशन से। अच्छा अच्छा जी, तो आप ये कह रहे हैं कि आप उस स्टेट पर रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं होता तो देता, नहीं होता तो दिस इज समथिंग जो सर लॉ का प्रिंसिपल होता है, यू कैन नॉट आस्क समबडी टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। मेरा कोई बिजनेस नहीं सर, मेरा कोई काम नहीं, क्रेडिट भी मैं लूज करने को तैयार हूं, आप यही फॉरवर्ड चार्ज में अगर लगा देते, क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी का सर मेंटेनेंस का बिल जो है वो देता हूं, उसमें मेरे को C+S लगाता है वो, क्योंकि वो फॉरवर्ड चार्ज में है, मैं हिट भी लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन लेके खाली आरसीएम की रिटर्न भरने के लिए तैयार नहीं, चाहे मेरे को ITC भी ना मिले। ITC इमोल प्रॉपर्टी का मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी एक बहुत बड़ा, मैं दे रहा हूं सर, मेरा जो झाड़ू सफाई करता है ना, जो बिल्डर का बंदा है वो चार्ज करता है मेरे को, एजेंसी है वो, तो मैं कॉस्ट का हिट ले रहा हूं। लेकिन सर रजिस्टर्ड का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप रजिस्टर्ड कहीं भी हो, कहीं से कहीं का कंप्लायंस फिर आप मेरे को करके दिखाओ, मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है उससे आप हरियाणा का C+S पे करके दिखा दो, मैं कंप्लाई कर दूंगा, आप सारा ही खोल दो ना मेरा, फिर वो जो चलान वाला पोर्शन है मैं कर दूंगा कंप्लाइंट। अरुण जी वैलिड पॉइंट है, सिंस यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन हरियाणा। जी नहीं सर, दूसरा ऑप्शन है, आपको रजिस्टर्ड की डेफिनेशन भी इतनी लंबी करनी है ना, मेरे से कंप्लाई भी करा लो, मैं टैक्स भी देने को तैयार हूँ, इनपुट भी नहीं लूंगा, मेरे वो चलान में 37 स्टेट तो दिखा दो ना। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट ये सर लेकर मैं बैठा हूँ। नहीं नहीं बहुत अच्छा है ये इंटरप्रिटेशन कि आई एम नॉट रजिस्टर्ड एट दैट प्लेस, देयरफॉर आई एम नॉट, दिस आरसीएम प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू मी। आरसीएम का प्रोविजन उल्टा है, आरसीएम का कहता है सेक्शन 24 आपको रजिस्टर्ड होना है, आपके आरसीएम की लायबिलिटी आ गई, आरसीएम की लायबिलिटी कब आएगी, जब आप रजिस्टर्ड होगे। हाँ वो तो ठीक है ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे तब आएंगे, रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट, क्योंकि अभी भी स्टेट वाइज लॉ चल रहा है ना सर हमारा, ये फेडरल वाला जीएसटी नहीं है सर, यूरोप वाला। नहीं नहीं मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ सर, ये मेरा पॉइंट यही है सर इसका। बहुत बढ़िया, वरुण जी आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं सर दिल्ली में हूँ, मेरे पीछे आपसे वार्तालाप भी हुआ था व्हाट्सएप पर, ईस्ट अच्छा। दिल्ली में जब आपने वो करा था उसी में मैंने कंटिन्यूएशन में आपको अच्छा मैसेज किया था। जी जी चलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी जी आप पुनीत जी के यहाँ भी थे सर, आप बताओ उस दिन रेफर कर रहे थे, पुनीत जी के यहाँ था। हाँ जी हाँ, पुनीत जी का कलकत्ता का काम आप ही देखते हैं? नहीं नहीं मैं नहीं देखता। अच्छा, तो आपने रेफर किया था कि पुनीत जी के साथ भी एसोसिएशन रही है? हाँ हाँ ओके ओके जी ठीक, वो भी सर हमारे जानने वाले हैं, उनके अच्छा। पास में है सर ऑफिस हमारा अच्छा। उनका अब तो खैर वो बंगाली मार्केट शिफ्ट हो गए, बाबर रोड शिफ्ट। हाँ अब बाबर रोड शिफ्ट हो गए, पहले हमारे पास में थे, मैं सर शकरपुर में हूँ दिल्ली में। हाँ हाँ अच्छा, नहीं मैं वहां तो आता था विपन जी और पुनीत जी के ऑफिस। हाँ जी हाँ जी, तो सर उधर के पास वो नई वाली साइड है, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स है हमारी, वो कंप्यूटर मार्केट है शकरपुर वाली जो पुरानी बिल्डिंग है। ओके ओके चलिए, दिल्ली आ रहा हूँ 20 अप्रैल को मुलाकात करेंगे। जी सर थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। नहीं सर सोल्यूशन भी देना चाहिए ना, कि सोल्यूशन निकालना की तो हम नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, छोड़ थोड़ी देंगे सर कहीं पर भी। बिल्कुल हाँ, मैं आपसे टाइम ले सकता हूँ, जितना टाइम मैंने लिया जो मैं निकाल पाया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, किसी को इसके इस सोल्यूशन के बारे में किसी को डाउट है तो? हाँ सर, किसी को कोई रिजर्वेशन है आप मुझे बताए, प्रिंसिपल ऑफ लॉ लगाऊंगा, थ्योरी जो है आप मेरे से इम्पोसिबल काम नहीं करा सकते। करेक्ट करेक्ट, अभी तो मैं यहीं तक रुका हूँ। हाँ सर, सेक्शन
26 में डीमिंग प्रोविजन है तो इसमें सर स्टेट वाइज का रिलेवेंस रहेगा क्या, क्योंकि क्या लिखना चाह रहे हैं? नहीं समझ में, प्रतीक जी ऑडियो ऑन करके बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए और कुछ, चलिए तो ठीक है, हम लोग कंक्लूड करते हैं। और अब ये हमारी बुक जो है जीएसटी नोटिसेस की, मैं आपको बस दिखला देता हूं कि आप कैसे किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसमें हमने क्या किया है, ये शॉप में जाके जीएसटी बुक्स में जाके ये कॉम्बो है जीएसटी वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू में जो किताब, जो वॉल्यूम वन देखेंगे तो इसमें जो चैप्टर्स हमने कवर किए, ये करीब करीब 450 पेज की बुक है, ये चैप्टर्स हमने कवर किए ये सारे। प्लस वॉल्यूम टू में अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें 20 एक्चुअल नोटिसेस और उसके रिप्लाइज डाले हुए हैं, प्लस ये सारे चैप्टर्स है। और इसको अगर आप कॉम्बो खरीदते हैं तो 1400 का, अलग अलग खरीदते हैं तो 800 प्लस 800 1600 का है। तो हम लोग तो चाहेंगे दोनों बुक खरीदें, और काफी अच्छा सेल हो रहा है ये, और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं जिन्होंने खरीदी भी है बुक। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको खरीदेंगे जरूर सर। हाँ सर, आपका जो क्लास का जो वैलिडिटी रहता है, अगर कोई मैंने 100 घंटे का लिया तो उसका कितना मैंने कितना दिन वैलिडिटी रहेगा सर? एक साल? मैं बता देता हूँ, ये हम लोग का जीएसटी कोर्स है, ये काफी डिटेल्ड और इनडेप्थ है। जिस तरह से अरुण जी के क्वेश्चंस आए वैसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अरुण जी का एकदम नया क्वेश्चन है, और ये यकीन मानिए कि ये अरुण जी का क्वेश्चन हम लोग अपने किताब में भी इनबिल्ट करेंगे और उसको देखेंगे। और ये जैसे इस कोर्स में ये करीब करीब अब तो 325 घंटे का कोर्स है ये, और इसमें आप 325 घंटे में आप कितना घंटा देखना चाहते हैं ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपने 200 घंटे खरीदे तो हम तो आपको पूरा का पूरा 325 घंटे वो हम आपको दे देते हैं। अच्छा, पूरा इसमें से 200 घंटे आप कौन सा चैप्टर देखना चाह रहे हैं ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये 5 डिवाइस में एक्टिवेट हो सकता है, यानी कि आप घर के लैपटॉप, ऑफिस के लैपटॉप, आप अपने एम्प्लॉई को ट्रेनिंग देना चाहते हैं उनके लैपटॉप में भी आप एक्टिवेट, उनके फोन में भी, विंडोज फोन में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। अच्छा नहीं सर, मैं मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली, अगर कोई मैंने 200 घंटा या 100 घंटा मैंने ऐसा कोई खरीदता है तो उसके लिए वैलिडिटी पीरियड की एक साल ही रहेगा? एक साल, वन ईयर, ईयरली। अच्छा ओके। और सर आपका कोई नया कोर्स आएगा इसके बाद, मैंने यही चलेगा? देखिए अभी तो हमने एक लाइव कोर्स अनाउंस किया है 1 जुलाई 2024 से। अच्छा, ये वाला, और एक रियल एस्टेट पे स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी 2024 से। अभी जो चल रहा है वो आईजीएसटी और रिफंड का लाइव कोर्स चल रहा है। अच्छा एक और हम लोग चलाते हैं जीएसटी मेंबरशिप, इसमें आपके नोटिसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं, आपके क्वारीज को डिस्कस करते हैं, और वेडनेसडे और सैटरडे मॉर्निंग 7 o'clock एवरी, मतलब ये हम लोग का टाइम रहता है। अच्छा सर, ये ईयरली वैलिडिटी होती है इसकी, ये भी देख सकते हैं। और एक प्रोडक्ट है जो उसको मैं बोलता नहीं हूं, मतलब भूल जाता हूं, बोलना तो चाहता हूं, रूल 42-43 का एक्सेल शीट। इसमें आप सारा डिटेल एंटर कर दीजिए, ये अपने आप रूल 42-43 का रिवर्सल कैलकुलेट कर लेता है ये। अच्छा सर, ये हमेशा रह जाता है ये वाला शीट। अच्छा काफी लोग यूज करते हैं। आपका कितना ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो इसमें एंटर कीजिए, रूल 42-43 का रिवर्सल कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।
हेलो हाँ हाँ जी वन मोर डाउट बताइए इन तमिलनाडु वाइल ट्रांसिट इंटरसेप्टिंग द goods and levying penalty under section 129 at the rate of 200%. Mm-hmm. They are issuing only move documents and order number. Mm-hmm. They are not issuing order reference number. Without order reference number, we cannot file appeal. What why is they are not issuing this? Because the order number should come in DRC 07. Order number... In the manual form, move documents, move 1, 2, 3, 4, 5, 6, they are giving. Right. The rule has changed. The order, along with MOV, I don't remember the recall the name of the MOV, but DRC 0 is must. If DRC 07 is not coming, it means that it is an invalid order. Invalid order. Yes. They are levying and collecting penalty and, at DRC 03. DRC 03. So they are forcing you to pay the penalty. No, you will pay penalty through DRC 03, but only after when you receive the order under DRC 07. In the DRC 07, they are not mentioning the order reference number. No. They are issuing DRC 07. Yeah. They are issuing DRC 07. That the order number should be there then. That is automatic. Order reference number, they are not mentioning. In the manual move forms, they are giving only order number, some four-digit number. That portal doesn't accept it to login appeal. Rajendra ji, then you just show me on the portal through any desk. I will see, then I will let you know. Okay, thank you. Okay. Anyone else? The box kitne din mein delivered ho jayenge? Normally, abhi suppose maine aaj order place kiya. Office kahan par hai? Pune mein sir. आप समझ लीजिए 5 दिन तो लगेगा ही लगेगा. ओके ठीक है सर, मैं करता हूँ ऑर्डर प्लेस. ओके थैंक यू सो मच सखाराम. इज इट आल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़न? हाँ, बट वी डोंट रिकमेंड अमेज़न, बाय फ्रॉम अवर वेबसाइट ओनली. ओके, तो अमेज़न में आप 800 प्लस 800 कॉम्बो ऑफर नहीं है अमेज़न में. ओके और अमेज़न में हमारी नंबर अब वो टैक्स लॉ की बुक में नंबर 45 पे है. मुझे लगता है और एक सप्ताह में वी विल बी नंबर 1 इन अमेज़न इन द बुक, द जीएसटी नोटिस बुक. एनीवन एल्स? विनोद जी लगता है म्यूट करके हमारी आवाज सुन रहे हैं. विनोद जी आप पकड़ी सर, मैं तो एक्चुअली जीएसटी इनकम टैक्स में करता हूँ ज्यादा, फिर भी मुझे आपका शौक रहता है, आपका मैं वो सुन रहा था, बढ़िया अच्छा है सारा. एक सर मेरा छोटा सा केस आया का, मेरा कोई ट्रक पकड़ लिया था पार्टी का मेरी का, तो उसने वो 129 का पेनल्टी लगा के तो डीआरसी 3 से पैसे भरवा लिए उसका. 129 का नोटिस दिया था शायद. ओके यही होता है ना. तो डीआरसी 3 से उसने 4-5 लाख रुपया उसका पार्टी से भरवा के ट्रक छोड़ दिया. तो आगे उसका मतलब ये क्या करना पड़ेगा, अपील वगैरह कैसे जाना पड़ेगा आपको? ये आगरा में था वो, तो आगरा में करनी पड़ेगी अपील? हाँ, मतलब ऑनलाइन अपील तो हो जाती है. ऑनलाइन हो जाती है? तो हियरिंग वगैरह भी ऑनलाइन है सारी इसकी? हियरिंग ऑनलाइन नहीं होगी. किसके पास होगी ये, कौन अथॉरिटी है? किसके पास देखना पड़ेगा आपका ज्यूरिसडिक्शन क्या है आगरा का, मुझे तो पता नहीं है. अच्छा. आप उसका पोर्टल लेंगे तो उसका जो यूजर आईडी पासवर्ड लेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको. जी ठीक है. तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना उसमें सर? इसमें इशू में डीआरसी 3 में पैसे जमा करवाया उसने, कोई लीगली डीआरसी 03 से ही पेमेंट होता है? जी और कोई ऑप्शन है नहीं. आप उनको कहेंगे कि मैं अपील में जा रहा हूँ 25% देके, तो मानेंगे नहीं, ट्रक ही नहीं छोड़ते हैं वो. हाँ, उन्हें वो तो सारा फुल जमा, 200% जमा करवाया उसको. हाँ, तो बड़ा मुश्किल होता है. गुन्ना लाल श्रीनिवास राव जी. हाँ, सब ये बुक्स आ गए सब मेरे को. अरे थैंक यू सो मच. कैसा लग रहा है? जबरदस्त है सब. है अच्छा लग रहा है? मस्त है सब, मस्त है. इनका टाइप बुक्स खरीदने का है, दो खरीदू समय. ये बुक्स अच्छा है.
अच्छा बहुत फाइन है सर, बहुत फाइन है, थैंक यू, ये आपको जीएसटी समझा देगा ये बुक सर, राइट, चलिए थैंक यू सो मच। हेलो अग्रवाल जी, हाँ हाँ कहिए, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर योर क्वेरी सर्विस, विच सर्विस, क्वेरी, क्वेरी कुरियर, ओके ओके, द क्वेरी व्हाट वी डू, वी हैव स्टार्टेड अ मेंबरशिप प्रोग्राम ऑफ ऑलमोस्ट 9-10,000 पर ईयर, यू कैन जॉइन दैट एंड इन द मॉर्निंग वी कम वेडनेसडे एंड सैटरडे 7 AM, ओके, we'll ask you to send your notices in our mail ID, then we'll discuss the notices with you 1-to-1, मतलब in the whole group with all the you will advise to reply yes. something yes we will advise what will be the course of action we have to follow, yes we'll advise what should be the reply also on both, on all three grounds, technical, law and merit. It is advice given in orally or in mail? Oral advice. We are discussing with you. Discussing. We have to take down, note down and follow it up. Yes. Yes. Okay. Thank you. Welcome. Hi. Or? Anyone else? हम लोग एक 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये लास्ट मीटिंग है 47th में, ये किताब के बारे में बताना भूल गया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग ये 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स की किताब जो आप पर्सनलाइज करके अपने नाम से खरीद सकते हैं, ये अगेन भूल गया, हम लोग इतना सारा काम करते कुछ ना कुछ भूल ही जा रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, जीएसटी बुक्स, हम लोग जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स बुक निकाल रहे हैं, पर्सनलाइज जीएसटी काउंसिल मिनट्स बुक, इसमें जो मेरा नाम लिखा हुआ वहां आप लिख सकते हैं योर नेम, पाइन में आप अपना नाम, ये पीछे में ये पूरा प्रोफाइल आपका आ जाएगा आपकी फोटोग्राफ के साथ इस तरह से, और अंदर वाले पेजेस में आप में कहीं मेरा नाम नहीं होगा, और ये जो प्राइसिंग है जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली जो एक किताब का प्राइसिंग है वो 1800, और इसमें आप अगर अपना नाम चाहते हैं तो 500 और ये किताब आप डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को भी अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी कमिश्नर से आप मिलना चाहते हैं, तो ये बुक लेके आप मिलना उनसे आसान हो जाता है, और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए आप 5 बुक ऑर्डर करते हैं तो ये प्राइस कम होता जाएगा, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, अगर आप मेंबर्स हैं जो प्राइसिंग और बहुत कम हो जाती है, और अगर आप नॉन मेंबर्स हैं और नॉन पर्सनलाइज बुक खरीदते हैं तो 1800 पर बुक, और 10 बुक का 1350, और अगर पर्सनलाइज हैं तो 500 थोड़ा सा डिस्काउंट, तो ये है किसी को इंटरेस्ट हो जहां पर आप अपने डेस्क में ये बुक रखना चाहते हैं, जीएसटी 1150 पेज के आसपास की बुक है, तो ये अपने डेस्क में रखिए, अपने नाम के साथ बुक रखिए तो अच्छा रहेगा, तो क्लाइंट आता है। नमस्ते सर, आज के रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? YouTube में डालेंगे, क्योंकि मैं तो अभी 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 तुरंत बाहर था। अच्छा, YouTube में डालेंगे। और कोई सवाल है तो पूछिए, फिर नहीं तो चला जाए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।